अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम हमना असगर फ्रॉम मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल। आई होप यू आर डूइंग वेल एट होम। सो टुडे आई एम हेयर विद इंग्लिश बुक चैप्टर नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हेयर इज़ आवर चैप्टर नंबर 2 ऑन पेज नंबर 9। इट्स अ पोइम, माई ट्री, मेरा दरख्त। ये एक पोइम है, नज़म है ये, ठीक है। तो देखते हैं इस पोइम में क्या है। ट्री, ओ ट्री सो बिग एंड स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग। ओ ट्री सो बिग एंड स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग, कह रहा है ए दरख्त बहुत ही मजबूत और ये इसको कहते हैं, स्टाउट को कहते हैं तनावर, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ताकतवर। ओ ट्री सो बिग एंड स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग, स्टाउट को अंडरलाइन करें और स्ट्रॉन्ग को, ठीक है। कह रहा है ओ मजबूत और ताकतवर दरख्त, यू हैव लिव्ड, लिव्ड को अंडरलाइन करें, सो वेरी वेरी लॉन्ग, लॉन्ग को भी अंडरलाइन करें। यू हैव लिव्ड सो वेरी वेरी लॉन्ग, कह रहे तुम बहुत ही लंबे अरसे तक जिंदा रहे हो या जी रहे हो। अ हंड्रेड सीक्रेट्स, सीक्रेट्स को अंडरलाइन करें, यू कुड टेल। अ हंड्रेड सीक्रेट्स यू कुड टेल, कह रहे बहुत से या कई सौ राज हैं जो तुम बता सकते हो। Of children whom you love so well, of children whom you love so well, उन बच्चों को कहते हैं कि जिनको तुम पसंद करते हो, जिनसे तुम प्यार करते हो। Who came and sat beneath your shade, beneath को underline करें and shade को। Who came and sat beneath your shade, कहते जो आते हैं और तुम्हारे साए के नीचे बैठते हैं। और underneath your branches played, और तुम्हारी शाखों के साथ खेले। Your branches seem to touch the sky, branches और seem को underline करें। Your branches seem to touch the sky, कहते तुम्हारी शाखें ऐसे लग रहे जैसे आसमान को छू लेंगी। Yet you were once as small as I, yet you were once as small as I, कह रहे तुम भी कभी इतने छोटे हो गए जितना कि आज मैं हूँ। सम डेज वैन आई हैव ग्रोन अप टू, सम डे वैन आई हैव ग्रोन अप टू, कहते कभी जब मैं भी बड़ा हो जाऊँगा। आई एम कमिंग बैक टू विजिट यू, मैं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। आई एम कमिंग बैक टू विजिट यू। एंड चेंज दो अदर थिंग्स विल बी, दो को अंडरलाइन करें। एंड चेंज दो अदर थिंग्स विल बी, कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हैं चेंज हो गई होंगी, बदल गई होंगी। आई शैल फाइंड द सेम डियर फ्रेंडली ट्री, फ्रेंडली को अंडरलाइन करें। आई शैल फाइंड द सेम डियर फ्रेंडली ट्री, लेकिन कह रहे हैं कि मैं ऐसा ही दोस्ताना एक दरख्त यहाँ पर पाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारी पोइम थी एक दरख्त के ऊपर, जो एक बच्चा जो है वो उससे बातें कर रहा है, ठीक है। अब हमने जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं उनके हम ज़रा मीनिंग्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वर्ड था स्टाउट, एस टी ओ यू टी स्टाउट, इसका मतलब क्या है, मजबूत या तनावर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग, ताकत। लिव्ड, एल आई वी ई डी लिव्ड, जिंदा या बाकी रहना। येट, वाई ई टी येट, अब तक। लॉन्ग, एल ओ एन जी लॉन्ग, लंबा। सीक्रेट्स, एस ई सी आर ई टी एस सीक्रेट्स, राज। बीनीथ, बी ई एन ई ए टी एच, इसका मतलब क्या है, तले या नीचे। ब्रांचेस, बी आर ए एन सी एच ई एस ब्रांचेस, डाली। फ्रेंडली, एफ आर आई ई एन डी एल वाई फ्रेंडली, दोस्ताना। शेड, एस ए सी डी ई शेड साया। सीम, एस डब्ल्यू एम सीम मालूम होना। दो, टी एच ओ यू जी एच दो, हालांकि या अगर से। तो आपने ये डिक्टेशंस अपनी नोट कॉपीज़ पर लिखनी है और इनको याद करना है, और ये इसकी आपने रीडिंग करनी है माई ट्री पोइम की, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।